सदियों से किसी देश के लोगों तथा उनकी सांस्कृतिक धरोहर की चेतना को अपने अस्तित्व के सानिध्य से परिपुष्ट करती आई हैं नदियां। इंसान को प्रकृति की देन ये नदियां ना तो जात पात देखती है और न ही देश की सरहद। हिमालय से निकली हुई गंगा गंडक जैसी ये विशाल नदियां दक्षिण एशिया की अनेक देशों की सरहदों को पार करते हुए कई संप्रदाय के लोगों को अपनी जल धारा से जीवन दान देते हुए अंत में समंदर से जा मिली है। परंतु जल विद्युत उत्पादन तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए इन नदियों पर बनाए जा रहे सुचारू योजना विहीन डैम तथा बैरेज जैसी परियोजनाएं और बरसों पहले इन नदियों को लेकर हुए समझौतों और राजीनामों के तहत हो रहा त्रुटिपूर्ण जल का बंटवारा तथा प्रबंधन व्यवस्था का विध्वंस की स्थिति में होना आज विश्व भर के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। राजनीति और भूगोल की सीमाओं से अनजान इन नदियों के प्राकृतिक स्रोत को रोककर दुनिया में आज तक बनाई गई अनगिनत परियोजनाओं के कारण फायदे की जगह नुकसान अधिक हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर बहती जाती है। दक्षिण एशिया की इन आंतः सीमांत नदियों पर बनाई गई अधिकतम बैरेज की बुरी असर हुई है। कुछ ऐसी ही असर से माँ और देवी की तरह पूजी जाने वाली उन नदियों के तट के कटाव के कारण इनके तट पर बसे अनेक गांव उजड़ चुके हैं। इस दक्षिण एशिया में बरसों से चले आ रहे जल आवंटन विवाद भी इन तटवर्ती गांवों के उजड़ने का एक और बड़ा कारण है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैरेज पर गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर हो अथवा बिहार की कोसी, उत्तर प्रदेश की गंडक और शारदा बैरेज के जल बंटवारे को लेकर हो, उसका भयंकर परिणाम भुगत रहे हैं भारत के मुर्शिदाबाद, मालदा, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी और सोपाल तथा नेपाल के नवालपरसी और बांग्लादेश के राजशाही, कुस्तिया और पटाऊखाली जैसे 58 से अधिक जिलों के तटवर्ती इलाकों के 1,00,000 से भी ज्यादा निरीह प्रभावित लोग, अनेक प्रजातियों की मछली, अन्य जलचर जीव तथा पानी के अवसाद को लेकर जिन विशाल नदियों के चारों ओर पनपती थी वनस्पतियां तथा किनारों के दोनों ओर लहलहाते थे वहां बसते लोगों के पसीनों से सींचे गए खेत, आज वही हरा भरा इलाका पिछले 30 सालों में 3 से 15 बार हुए किनारों के कटाव की दर्दनाक घटनाओं के कारण श्मशान में तब्दील हो चुका है। अपनी जमीन, अपना घर, अपने खेत खलिहान, आम और झारबेर की बगीचे, ये सब कुछ गंवाने के कारण गांव वाले हो चुके हैं गरीब खानाबदोश। उजड़े हुए इस तटवर्ती इलाके में ना तो है जीने की राह और न ही है जीवन संग्राम का कोई सहारा। मछली पकड़ने, खेती, पशुपालन और नाविक जैसे पुश्तैनी धंधों से वंचित होकर बार बार अपने रहने की जगह बदलने के कारण आज ये लोग खूब असुरक्षित स्थिति में सड़कों के किनारे, सार्वजनिक जगहों पर, यहां तक कि रेल की पटरियों के बगल में दिन बिता रहे हैं। गंगा नदी के किनारे मुर्शिदाबाद और मालदा में अपनी रोजी रोटी और घर गंवा चुके इन अभागों की दुख भरी दास्तां दिल को छू जाती है। पता नहीं कब बैरेज से अचानक पानी आ जाएगा और बचे कुचे बर्तनों को भी बहा ले जाएगा, यही डर इनकी आंखों की नींद उड़ाए रखता है। नदी के टापुओं पर जमा हो रहे कूड़े से नदी का पानी प्रदूषित होने के कारण पीने के पानी का भयंकर संकट पैदा होने के साथ साथ ये लोग अनेक रोगों का शिकार बन रहे हैं। काम करछी तो घागोस होए जेछे, अबार बच्चा से लेकर घागोस होए जेछे, नुंगड़ा पर तो भलमा। जगह की कमी के कारण ना तो इनके बच्चे खेल पाते हैं और ना ही ये लोग मवेशियों को रख पाते हैं। खुले में हो रहे शौच कार्य और शवदाह से पर्यावरण धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है। नदी के जल का इस्तेमाल कम होने के कारण उसके तट पर काम करते समय महिलाओं के बीच अपने अपने सुख दुख बांटने जैसी सदियों से चली आ रही परंपरा धीरे धीरे
खत्म होती जा रही है। एक अंधकार भरे भविष्य की कल्पना से उनके मन में निराशा का भाव पैदा हो रहा है। बीड़ी बनाने के काम में कम आमदनी होने के बावजूद मजबूरी में अनेक महिलाओं ने इस काम को चुना है। पुरुष ईंटें बनाने के काम में स्वयं को लगा रहे हैं, मजबूरन कहीं कहीं उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ रहा है। बरसों पहले मालदा जिले के पंचाननपुर के सैकड़ों लोग जिस पर निर्भर करते थे, उस नया बाजार मार्केट के नदी में डूब जाने के कारण हो या मुर्शिदाबाद के महेशपुर गांव के आंगनवाड़ी के मकान के ढह जाने के कारण हो या फिर मालदा में नदी के बीच में उभरे विशाल चरलेन के कारण हो, हर रोज गंगा के किनारे कटाव का राक्षस मचा रहा है तबाही। इतनी तकलीफें झेलने के बावजूद सरकार की ओर से किसी प्रकार की सहायता न प्राप्त कर सकने वाले इन तटवर्ती बेघर परिवारों का उनकी आजीविका छीनने वाले बैरेज, निष्क्रिय राजनीति और बारिश के दिनों में बांध बनाने का काम करने के बहाने घोटाला कर रहे अयोग्य प्रशासन से जुड़े कार्यकर्ताओं पर से विश्वास टूट चुका है। वे अब एक्शन एड जैसी अंतर्राष्ट्रीय सेवा संगठन के नेतृत्व में एक होने लगे हैं, अपने और नदी के अधिकार के बारे में जागरूक होकर संगठित होने के लिए। जून 2012 से भारत, नेपाल और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर बहने वाली अंत सीमांत नदियों के जल प्रबंधन और उनके तटवर्ती गांव में रहने वाले लोगों पर शुरू किए गए शोध कार्य का अब नदी अधिकार अभियान के नाम से विस्तार किया गया है। अंतर सीमांत नदियों के जल प्रबंधन पर अनेक तालीम और बैठकों के आयोजन के बाद 18 फरवरी 2017 को कोलकाता के मौलाना आजाद यूथ सेंटर में हाल ही में हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के प्रभावित लोगों को इकट्ठा कर उन्हें जागरूक करना, उनमें तालमेल बनाते हुए उनके अधिकार और सुरक्षा की अनदेखी करते हुए सोने वाले प्रशासन, राजनीतिज्ञों तथा नीतियां प्रस्तुत करने के साथ जुड़े हुए लोगों को चेतावनी देना है। आशाओं से भरा यह सफल समारोह दरअसल 1920 से आज तक हुए जल समझौतों और राजीनामों में रह गई गलतियों और बैरेजों की जल प्रबंधन व्यवस्था की तरफ एक इशारा है। जितनी भी संधियां भारत और नेपाल और बांग्लादेश के बीच में हुई हैं, वो 20, 25, 30 साल से पुरानी संधियां हो गई, ये उससे भी ज़्यादा। अब इन संधियों को दोहराने का, इनको दोबारा देखने का, इनको झाड़ पोंछ करके समझने का समय आ गया है और इसमें हम लोगों को, इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए और हमें ये बात उन तक पहुंचानी होगी कि संधियों को दोबारा देखा जाए। तो इसलिए आपसे दूसरा जो हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा इस ऐसे मंच के माध्यम से, और इसमें एक्शन एड कुछ रोल प्ले कर सकता है और शायद एशिया फाउंडेशन को भी करना चाहिए, वो यह है कि इसमें से नए रास्ते क्या निकले। एशिया फाउंडेशन के सपोर्ट में जो यहाँ काम हो रहा है, यह खासकर उन समस्याओं पर ध्यान दे रहा है जो बॉर्डर के दोनों तरफ पानी को लेके हो रहा है, पानी का संचय, पानी का सफाई, पानी को लेके सिंचाई के इश्यूज़ जो है, एवं कुछ कुछ जो है पॉलिसी लेवल पे भी जो इश्यूज़ होंगे। अब हम चाहते हैं कि महिलाएं और लड़कियां जो हैं उन पर सबसे अधिक जो असर होता है उस पर थोड़ा ध्यान जाए। आप लोग ने हम लोग को सम्मान कर दी और जो हम लोग के साथ एक नदी देश में, नदी के किनारे जो पीड़ित समुदाय है, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, तीनों देश के पीड़ित समुदाय के साथ एक रिलेशनशिप जो अभी बन रहा है, इससे हम लोग बेहद खुशी हैं। नेपाल का भी लोग अफेक्टेड है, बांग्लादेश का भी अफेक्टेड है, वेस्ट बंगाल का भी लोग अफेक्टेड है। हमारा फर्स्ट जो काम होगा ये इनके बीच में एक तालमेल करना, इनके बीच में रिलेशनशिप तैयारी करना, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, जिससे इन लोग एक दूसरा को इशू को समझेंगे। ये इशू को गवर्नमेंट को पास लेके जाना, पॉलिसी मेकर को पास लेके जाना, ये शायद अभी भी बहुत अच्छा से नहीं हुआ है। नदी एक नैसर्गिक धारा है, इसे मुक्त बहने की पूर्ण अधिकार है। कोई भी भौगोलिक या राजनीतिक सीमा इसे बांध नहीं सकता है। आइए हम सब मिलके
नदी के इस अधिकार को सुनिश्चित करे। जो मीटिंग आज हो रहा है यहाँ पे जो हुआ बहुत अच्छा लगा, जिस इमोशन से और जिस ढंग से आपने अपना बात रखा यहाँ पे हमको हमारा जो दिशा में जाने के लिए बहुत मदद करेगा। इसका जो अभियान का नाम हम रखेंगे क्या, नदी अधिकार अभियान। अगर आपको ये नाम अच्छा लग रहा है तो बोलो हाँ। नदी अधिकार अभियान। इसके पश्चात नेपाल और बांग्लादेश तथा मुर्शिदाबाद के बेनियाग्राम, महेशपुर और मालदा के पंचाननपुर, अशोक मनाटोला, नयाग्राम, बंगी टोला, नसरत टोला आदि जगहों पर आयोजित यह विशाल जल यात्रा मानो तटवर्ती गांवों के निराश लोगों के लिए एक सपने जैसी थी एक नई आशा की किरण। विभिन्न देशों से आए चिंताशील समाजसेवी तथा कार्यकर्ताओं के साथ अपना ज्ञान, अनुभव तथा हाल की सामाजिक, वित्तीय तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को साझा करने के इस मौके पर भविष्य में नदी और अपने जीवन के पुनरुत्थान के लिए तैयारी करने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण जल यात्रा या वाटर वॉक एक अभूतपूर्व अवसर था। गंडक नदी जो नियंत्रण संघर्ष समिति यही क्षेत्रबाट जुन यो संघर्षको सुरुवात भयो, त्यो संघर्ष भनेको कसैको विरुद्धमा भन्दा पनि सबैको न्यायको लागि। बाढीहरू पश्चिम सुन्दर बादरकोले আর আমাদের জমি জায়গা যা ছিল সব পড়ে গেছে, খাদ্য পাচ্ছি না, বয়স কে হলে বেকার ভাতা হচ্ছে না, আমাদের অভাব শেষ নাই। 20 বছর থেকে যে ভাঙনটা হয়েছে তো ভাঙনের জমি জমা যে যা ছিল বাড়ি ঘর সব তো গঙ্গাতে ঝুলে গেছে, কিছু নাই এখন। আমাদের কোনো রকম সাহায্য কোনো রকম কিছু পাওয়া যায়নি, আমাদের 3-4 দফা গঙ্গায় পড়লাম, কিছুই পাওয়া যায়নি, আমরা পাইনি। নদী মে ঘর গির রা থা উসকা তো ইয়ে তো নিকল গাই, লেকিন আগর বাচ্চা আগর নেই বাঁচা যাতা, কোই আদমি নেই আতা আগর তো ইস বাচ্চে কো নেই বাঁচায়া যাতা, তো আগর ইয়ে বাচ্চা আগর নদী মে গির যাতা তো ক্যা হোতা। কিন্তু আমরা জানছি যে প্রধানমন্ত্রী আমরাকে দিছে, অথচ জানছি টিভিতে দেখতে পাচ্ছি হাতে পাই না, আর আগে আমার দেখা ভালো ভালো বাড়ি ঘর ছিল কিন্তু সব গঙ্গাতে চলে গেল। রাতকে 12 বাজে কে বাদ इस बैरेज से पानी छोड़ता है, अनलिमिटेड पानी छोड़ता है, बेकंट्रोल विदाउट कंट्रोल पानी छोड़ता है, और उसी के कारण आज का ये रोशन आप देख रहे हैं यहाँ पे। कहाँ जाए हम लोग, गंगा पानी है तो कॉन्ट्रेक्टर पता है तो 10 लाख पर जाता है तो 5 लाख पूरे खाले लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग। पाई खाना जो गवर्नमेंट का दीचे तो हमरा की दी सभी तो लाग छे गंगा का हमर मास नै हमरा की करे खाबो, इदि को नुंगरा करे दीचे सब की होय छे। नदीर सामने एत नुंगरा आवर्जना पचा जिनिस से नदीते थाकछे, माने माने नदी धार दिए हाटा चला ओ मुश्किल होय छे। आमादेर नदीटा परिष्कार परिच्छन्न जान थाके तार जन्य एकटा व्यवस्था निते होबे सरकार के। ये तो आंख में नहीं देख सकता है, इसको तो बेकार भाता चाहिए, दुदू भाता चाहिएगा, कुछ देता नहीं है, मार के खा लेता है, पंचायत वीडियो कपड़ा देता है, रोड में कपड़ा देता है, दान करता है, और हम लोग को कुछ नहीं देता है, और लेकर लेकर पिया के दारू देता है, तो खम्मा देता है, और हम लोग का आंसू पोंछ पोंछ कर खाते हैं, और रहते हैं घर में। मिट्टी इधर जम रहा है और डेप कम जाता है, इसलिए इरोशन बहुत ज़्यादा होता है। सब चला गया, घर जमीन पूरा चला गया, अभी आइलैंड बना गया 40,000 क्यूबिक मीटर और 26 आइलैंड है, और ऐसे चैनल जो है इधर देख रहे हैं अभी नदी, इधर अभी 7 नदी बन गया, एक ही नदी 7 नदी बन गया, ऐसे हो गया, इसलिए हम लोग का इधर प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसलिए हम लोग नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया का हर जगह का आदमी आके इधर हम लोग इकट्ठा होकर आंदोलन शुरू किया। फरक का बैरेज नहीं बनाना चाहिए था, फरक का ब्रिज बनाना चाहिए था। ये माटो पनि हाम्रो हो र यो पानी पनि हाम्रो हो। एकदम राइट, जो अभी उन्होंने जो बात कहा है कि हम लोग इसी तहत पे इस अभियान में हम लोग लगे हुए हैं, यह जल पद यात्रा जो हम लोग का ये नाम दिया गया है, हम लोग नेपाल से भारत होते हुए बांग्लादेश तक का जो नदी किनारे जो ये नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, इन लोग के अधिकार के लिए, इन लोग के जो नदी जो कटान कर रही है कटान से बचाने के लिए हम लोग इस गवर्नमेंट को इस बात को सुनाना चाहते हैं कि यह जो मिट्टी हमारी है, यह पानी हमारी है, इस बात को हम लोग को अधिकार होना चाहिए। लगता है वो समय खूब चल जाएगा जब बैरेज प्रशासन और सरकारी तंत्र नदी अधिकार अभियान की सभी मांगों के महत्व को समझकर योग्य कदम उठाकर लोक कल्याण के लिए उनकी राय लेकर नई नीति बनाएंगे। नदी को
एक बार फिर मिलेगी अपनी स्वाभाविक धारा के साथ बहने की अधिकार। जो भी नया नियम या राजीनामा होगा वह द्विपाक्षिक ना होकर अन्य पक्षों की उपस्थिति में होगा और उसमें नदी के किनारे बसने वाले लोगों की सलाह तथा प्रत्यक्ष भागीदारी को सुरक्षित किया जाएगा। बैरेज में जल प्रबंधन व्यवस्था को स्थानीय लोगों के परंपरागत तरीकों से अधिक समृद्ध किया जा सकेगा। किनारे के कटाव के कारण चरलैंड पर भूमि माफियाओं के अधिकार जताए जाने को रोककर उस जमीन को असल पीड़ित लोगों को दिए जाने के नए नियम बनेंगे और उसके साथ घर चलाने का जिम्मेदारी उठाने वाली महिलाओं को ये सुविधा अग्राधिकार के तौर पे देने का व्यवस्था होगी और जरूरत पड़ने पर उसे ड्रेजिंग द्वारा नदी के तल से मिट्टी निकालकर नदी के बहाव को स्वाभाविक किया जाएगा। बाढ़ अथवा बैरेज से पानी छोड़े जाने से 24 घंटे पहले स्थानीय लोगों को सूचना देने की व्यवस्था की जाएगी। चालू अंतर्राष्ट्रीय जल समझौतों की पुनः समीक्षा कर उनमें सुधार किया जाएगा। दक्षिण एशिया की इन विशाल आंतर सीमांत नदियों को जीवित प्राणी घोषित किया जाएगा। बार बार किनारे के कटाव से होने वाले इस भयंकर नुकसान को प्राकृतिक विपदा का दर्जा देकर उसे प्रभावित ग्रामवासियों को पर्याप्त राहत सामग्री तथा आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें आभ्यंतरीण विस्थापित लोग घोषित किया जाएगा। अन्यथा अतीत में 1770 परिवार का गांव महेशपुर, जहां अब सिर्फ 200 परिवार बचे हैं, उसे बर्बाद होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। ये हकीकत है, हमारे पास बहुत कम समय है। प्रशासन को सावधान होना पड़ेगा, राजनेताओं को लोकाभिमुख होना पड़ेगा, नीतियां बनाने वालों को इन नदियों और उसके किनारे अपने जिंदगी गुजारने वालों के भविष्य के विषय में सोचना होगा। देश देश में इन तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को हाथ से हाथ मिलाकर एक होना होगा और सुरक्षित करना होगा गंगा के किनारे रहने वाली अपने सब कुछ गवा चुकी इस बुढ़िया के बाकी बचे हुए 2 दिन को, बिन माँ बाप के इस बेसहारा बच्चे की पूरी जिंदगी को। दरअसल इन्हीं महत्वपूर्ण मांगों के सफल रूपायन से ही भारत, बांग्लादेश और नेपाल की इन्हीं आंतर सीमांत नदियों को नया जीवन मिलने के साथ साथ नदी के किनारे बसने वाले लोगों को मिलेगी अपनी अधिकार। Thank you.